अगर आप लॉ फील्ड में इंटरेस्टेड है, लीगल या लॉ एरियाज में जाना चाहते हैं बट लॉयर नहीं बनना चाहते, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो ये कोर्स आपके लिए है। सो हाई एवरीवन, दिस इज पर्सिंग, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम CS न्यू कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। CS कैसे बन सकते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन कौन से एंट्री रूट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कॉलेज या क्लासेस कहाँ से करने होंगे, टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है CS बनने के लिए, या फिर यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलती है, किस टाइप की जॉब आपको यहाँ पे करनी होती है, ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो बिना स्किप किए पेशेंटली वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ICSI के बारे में। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी बॉडी है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दैट इज द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंडर ये एस्टैब्लिश हुई टू रेगुलेट एंड डेवलप द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, विच मीन्स ये एक ऐसी बॉडी है जो इस प्रोफेशन को पूरी तरह से चलाती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, रिजल्ट देती है, क्लासरूम टीचिंग फैसिलिटीज भी ऑफर करती है विच इज ऑप्शनल। इसके जो क्लासेस होते हैं वो फिजिकल एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसके लिए आपको मिनिमल सा फी पे करना होता है। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में कम्प्लीटली आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको उसका कोई कॉलेज नहीं होता बट इंस्टीट्यूट्स के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करा देते हैं, तो उसके थ्रू भी आप परस्यू कर सकते हैं। एंड CS बनने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो आप अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी के थ्रू CS बन सकते हैं। ICSI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके 4 रीजनल ऑफिस है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, और ICSI का सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग नावी मुंबई में है। तो आइए बात करते हैं CS प्रोग्राम के बारे में। कंपनी सेक्रेटरी ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये कोई जनरल डिग्री कोर्स नहीं है। सो इस कोर्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 स्टेज या 3 लेवल्स क्वालिफाई करने होंगे। जैसे आपका CA में होता है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल, उसी तरीके से CS में आपका CSEET एग्जाम होता है जो कि फाउंडेशन लेवल पे होता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रोफेशनल है। तो आपका जो CSEET है इसमें टोटल 4 पेपर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव में 7 पेपर्स होते हैं एंड प्रोफेशनल में भी 7 पेपर्स होते हैं। सो इसके रूट्स की बात करते हैं, यहाँ पे 2 रूट्स है जिसके थ्रू आप CS प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है CS एंट्रेंस और CS एग्जीक्यूटिव। CS एंट्रेंस के लिए आपको 12th क्वालिफाई करना होता है और यहाँ पे 3 लेवल के एग्जाम्स होते हैं। CS एग्जीक्यूटिव के लिए आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, या फिर अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री या फिर CS एग्जीक्यूटिव के थ्रू CS बन सकते हैं, और इसके लिए इसमें आपके 2 लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो ये आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। कितने टाइम ड्यूरेशन में आप CS बन जाते हैं, तो अगर आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग को इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल 5 ईयर्स का ड्यूरेशन लग जाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ एग्जाम्स की बात करें तो 3 साल में आपके तीनों ही लेवल से या तीनों ही स्टेज क्वालिफाई हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि CS बनने के लिए कौन एलिजिबल है। सो सिंपली आपने 12th क्वालिफाई किया है, इवन अगर आपने 10th क्वालिफाई भी किया है तब भी आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम आप 12th के बाद ही देते हो। सो 12th में कौन सा स्ट्रीम है वो मैटर नहीं करता है, आपने सिर्फ 12th क्वालिफाई किया है तो आप CSEET का एग्जाम दे सकते हैं जो कि पहला स्टेज होता है CS का। और अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें जो कि आपका CS एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होनी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन और एग्जाम डेट की बात करें तो CSEET का जो एग्जाम होता है वो मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी, साल में 4 बार कंडक्ट होता है और इन्हीं मंथ्स में कंडक्ट होता है। तो कब से कब तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मई के लिए 16 दिसंबर टू 15 अप्रैल तक इसकी एप्लीकेशन चलती है, जुलाई के लिए 16 अप्रैल टू 15 जून, नवंबर के लिए 16 जून टू 15 अक्टूबर, और जनवरी के लिए 16 अक्टूबर टू 15 दिसंबर। और CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल के लिए जो एग्जाम डेट और एप्लीकेशन डेट है वो सेम ही है। सो CS एग्जीक्यूटिव के लिए आपको ये देखना है कि कौन से मंथ में आप कितने मॉड्यूल्स दे सकते हैं। अब इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है CSEET का एग्जाम वो बहुत ही ईजी लेवल का होता है, ये आपका एंट्रेंस लेवल का होता है, फाउंडेशनल लेवल का होता है। ईजी इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और आपको मिनिमम 100 लाने होते हैं, यानी कि 50% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग परसेंटेज है, तो 200 मार्क्स में से आपको 100 मार्क्स लाने होते हैं
अपने, जिससे आप CS EET का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काफी इजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे लाइटली लेना है। हाँ, CS EET का एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि इसके बेसिक्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो CS Executive अच्छे से क्लियर होगा। सीरियस वे में लो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, इसके सिलेबस को अगर हम देखें तो ये चार पेपर्स आप देख पा रहे हो। CS EET का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप मिनिमम 1 ईयर के बाद CS Executive का एग्जाम दे सकते हैं, और इसमें टोटल 7 पेपर्स होते हैं, जिसके सिलेबस मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। वो लिस्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। एंड CS Executive एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको EDP देना होता है। आप EDP के लिए एलिजिबल है। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1 मंथ का होता है, जिसमें 15 डेज ऑफलाइन एंड 15 डेज ऑनलाइन होता है। जैसे आप EDP कंप्लीट करते हैं, आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होता है, जो कि 21 मंथ्स के होते हैं। ठीक है, 21 मंथ्स का जो इंटर्नशिप होता है वो आप किसी भी CS कंपनी या फॉर्म से कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप लिस्टेड कंपनी से ही करो, क्योंकि ये आपके आगे जो करियर में जो जॉब मिलने वाला है उसमें हेल्प करेगा। अगर आप लिस्टेड कंपनी से इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहाँ पर स्टाइपेंड भी अच्छी होती है, साथ ही साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी वो भी अच्छी मिलेगी, वहाँ पे भी आपका एवरेज पैकेज अच्छा जाता है। इसके बाद आप फाइनल एग्जाम दे सकते हैं CS का। CS प्रोफेशनल में भी टोटल 7 पेपर्स होते हैं, Group 1, Group 2, और दोनों ही ग्रुप्स में आपके इलेक्टिव पेपर्स होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्ट कर सकते हैं। सो CS फाइनल क्वालिफाई करने के बाद, यानी कि तीनों ही लेवल के एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद आप CS बन जाते हैं। लेकिन हाँ, ICICI की मेंबरशिप तभी आप बनेंगे, या ICICI मेंबरशिप के लिए आपको ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करने होते हैं एग्जाम्स क्वालिफाई करने के साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने डिस्कस किया EDP, जो कि 1 महीने का होता है, वो क्लियर करना होता है। उसके बाद आर्टिकलशिप यानी कि इंटर्नशिप आपको 21 मंथ्स की करनी होती है। इसके बाद CLDP, दैट इज कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये तीनों ही अगर आप कंप्लीट करते तब जाके आप ICICI की मेंबरशिप बनते हैं और आप एक CS होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। सो एवरेज स्टाइपेंड होता है 15,000 पर मंथ, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, कौन से फॉर्म्स में इंटर्नशिप कर रहे हैं। अगर आप CS के लिस्टेड कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं या अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी होती है वो 25,000 से 30,000 तक हो सकती है। और अगर आप किसी फॉर्म में जा रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपकी स्टाइपेंड थोड़ी कम भी हो। ठीक है, सो कोशिश करो कि लिस्टेड कंपनी में या अच्छी कंपनी से ही इंटर्नशिप करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट हाँ, अगर आप ये एक्सेस करना चाहते हो तो थोड़ा सा इस वीडियो को सुनो, क्योंकि ये आपके लिए ही हेल्प करेगा, आपके प्रिपरेशन को और बूस्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 3 बॉट होंगे। ठीक है, लॉन्च क्वेश्चन बॉट, लॉन्च आंसर बॉट, लॉन्च सिनारियो बॉट। अब ये तीनों ही बॉट को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइनअप करना होगा और वहाँ पर आपको आपका जो भी स्टेज है उसे वाइजली चूज कीजिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये वेबसाइट रन करेगी या एक्सेस कर पाओगे आप। ठीक है, सो लॉन्च क्वेश्चन बॉट में आपको क्वेश्चन पूछना है, लाइक आपके पास कोई टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं CS एग्जाम में, तो वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आंसर बॉट में क्या होता है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है अगर उसके आंसर्स चाहिए, एग्जैक्ट किस तरीके से आंसर करना है, प्रोविजन के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। और तीसरा है सिनारियो बॉट, तो इसमें सिनारियो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो जिस भी एरिया में आप वीक हो उसे आप ट्राई कर सकते हैं। इन तीनों ही बॉट को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, कोई पैसा आपको नहीं देना है। इसके बाद फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीनों ही लेवल्स पर कितना फ़ी आपको पे करना होगा। तो स्टेज 1 पे जो CS EET का एग्ज़ाम होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी 1500 रुपीज़ रहेगी, जिसमें Guide 1, Guide 2 इंक्लूडेड है। बाकी 1000 रुपीज़ आपका एडिशनल चार्ज होगा, ये ऑप्शनल है। अगर आप क्लासरूम टीचिंग के लिए लेना चाहते हो तो आपको 1000 रुपीज़ देना होगा। इसके अलावा एडिशनल 1000 रुपीज़ आपको रीडिंग रेफरेंस मटेरियल 1 और 2 के लिए देना है, ये भी आपको ऑप्शनल है। CS एग्जीक्यूटिव के लिए 8500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फी रहेगी, उन लोगों के लिए जिन्होंने CS EET का एग्जाम क्वालिफाई करके CS एग्जीक्यूटिव में एनरोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, बाकी जो लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करके आ रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू यहाँ पे CS में एनरोल होना चाह रहे हैं, तो उनको यहाँ पे 13,500 रुपीज़ पे करनी होगी। इसके अलावा 1000 रुपीज़ यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन टेस्ट फी रहेगा, 600 रुपीज़ ओरिएंटेशन प्रोग्राम फी रहेगी जो कि 1 दिन का होगा, और एडिशनल 1000 रुपीज़ अगर आप क्लासरूम टीचिंग यानी कि वीडियो लेक्चर के लिए लेना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ देना होगा, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, CS फाइनल में आपका 12,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फी रहेगी और 1000 रुपीज़ आपकी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट फी रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम
सम करें तो 30,000 के अंडर आपका CS कोर्स की फीस रहती है, जिसमें आपकी जो एडिशनल कोचिंग फी है वो मैंने ऐड नहीं किया है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 30,000 से ज़्यादा आपको पे नहीं करना है, कुछ भी खर्चा नहीं रहेगा इसके अलावा। लेकिन अगर आप सेपरेट कोचिंग कर रहे हैं तो वो कोचिंग की फीस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। कुछ लोगों को यहाँ पे फी में कंसेशन भी मिल जाता है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज से बिलोंग करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज, अग्निवीर या मार्टियर्स के कोई फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको फी में कंसेशन मिल जाएगा। या फिर अगर कोई जम्मू कश्मीर लद्दाख से बिलोंग कर रहे तो उनको 100% फी वेवर मिलता है, ठीक है। बाकी अगर आप लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 50% का फी वेवर मिलता है। इसके बाद स्कोप की बात करते हैं तो CS क्वालिफाई करने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स LLB पे परसू करते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो CS के सिलेबस के सिमिलर होता है। तो इसके करियर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अकेडमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स है। अकेडमिक की बात करें तो CS क्वालिफाई करने के बाद आप मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड लॉ जैसे फील्ड में डायरेक्ट PhD कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप PMQ कोर्स में उसके डिफरेंट एरियाज में जा सकते हैं। और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट से देखें तो आप जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी या CS कंपनी में, या आप फर्म्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर टीचिंग कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी जिसका 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है उसको कंपनी सिक्योरिटी रखना कंपल्सरी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और सिर्फ एक CS से काम नहीं चलता, एक कंपनी में कई सारे कंपनी सिक्योरिटीज होते हैं जो पूरे लॉ कंप्लायंस को देख रहे होते हैं। एक CS को कंपनी में KMP दैट इज की मैनेजेरियल पर्सोनल की पोजीशन मिलती है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करना होता है। इसके अलावा कंप्लायंस ऑफिसर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर, चीफ गवर्नेंस ऑफिसर, सोशल ऑडिटर, GST प्रोफेशनल एंड इंटरनल ऑडिटर जैसी पोजीशन मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि CS में सैलरी कितनी मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पे आपका इंटरव्यू कैसा होता है, आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छी कंपनी या लिस्टेड कंपनी में जा रहे हैं तो 4 से 12 लाख तक की सैलरी आपको ऑन एन एवरेज मिल जाती है। अगर आप अच्छी कंपनी में जा रहे हैं तो आपकी सैलरी इससे ज़्यादा हो सकती है, और कोई लिमिट नहीं है CS क्वालिफाइड कैंडिडेट की सैलरी का। फाइनली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए या तो आप 12th के बाद या 10th के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ICSI की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन सर्विसेज के अंडर आप खुद को रजिस्टर करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और फी पेमेंट करोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है रजिस्टर करने का। एंड कोई भी डाउट है आपको रजिस्ट्रेशन रिलेटेड या कोई भी इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको ईजी तरीके से कैसे समझाया जा सके कि CS कैसे बन सकते हैं। एक क्वालिफाइड CS बनने के लिए, सक्सेसफुल CS बनने के लिए ये कंप्लीट रोड मैप था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इजीली इस प्रोफेशन को समझ पाए और परस्यू कर पाए, ठीक है। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।